दोस्तों ये है आपका 2024 का अंग्रेजी का 817 DI कोड का पेपर और ये है इसका पूरा सोल्यूशन। अगर आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और उसमें इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आपका 2025 का इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसे लिखना है। सेम इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो देख सकते हो इस बच्चे की तरह भी आपको 70 में 69 नंबर दिए जाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से हेडिंग बनाया गया, कैसे सारी चीजें लिखना है, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है और क्वेश्चन नंबर कैसे हेडिंग बनाकर लिखना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर यह जो है एक वायरल पेपर आपका है 2024 का और 2025 में सेम यही पैटर्न रहेगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, सेम यही पैटर्न रहेगा। जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए इसमें से ही अधिक सारे क्वेश्चन फंसेंगे भी आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया है समय, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा और क्लास टेंथ में हो तो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के दे दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिया गया करा कि फर्स्ट 15 मिनट आर रिलेटेड टू कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए यहाँ में आपके पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये आता है पार्ट ए, और पार्ट ए में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पढ़िए अच्छे से, यहाँ पर पार्ट ए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज से पढ़कर ही इसमें 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस पैसेज से ही पूछे गए हैं, तो इन तीनों का आंसर इसमें से खोज कर देना है। तो आइए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, यानी कि ओल्ड मैन जो था वो दुखी क्यों था बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, तो यहाँ पर देखिए हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन वन अदर कहाँ पर दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी में से खोज कर इसका आंसर देना है। यहाँ पर दूसरा नंबर कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डी स्ट्रेस्ड, इट मीन्स इट वाज, यानी कि ओल्ड मैन जो है डी स्ट्रेस्ड है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ सैड, यानी कि वह दुखी था, ठीक है ना, तो सैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, यानी कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपोजिट यानी कि उल्टा है वीक के, कमजोर का उल्टा कौन सा वर्ड दिया है इसमें जो है। तो यहाँ पर देखिए कमजोर का उल्टा क्या होता है, स्ट्रांग, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एक वर्ड दिया गया था इस पैसेज में जो कि कमजोर का उल्टा होता है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए कर रहा है 4 नंबर की हिज फ्रेंड ही डैश बिफोर ही रीच देयर, यहाँ पर अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव दिखाएंगे और कॉपी पर कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखिए हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच, तो हिज फ्रेंड हैड गॉन यानी कि उसके मित्र चले गए थे उसके पहुँचने से पहले, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग यू आर, यानी कि अगर आपको और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कहे जाएंगे, यहाँ पर क्या कहे जाएंगे, सेटिस्फाइड यानी कि आप संतुष्ट हो, और खाना नहीं खाओगे यानी कि खाना से आप संतुष्ट हो, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, यहाँ पर दिया हुआ सी लॉट ए मनी ऑफ बोरोड हैज देम फॉर्म, यानी कि इसको रीअरेंज करना है यानी कि फिर से अरेंज करके मीनिंग फुल सेंटेंस बनाना है यानी कि उसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए सबसे पहले इसमें खोजा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट ये, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कर रहा है 7वां नंबर प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड जो है मिस स्पेल्ड है, गलत लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लिखा जाता है, IMPORTANT होता है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही मिस स्पेल्ड है, ठीक। चलिए यहाँ पर 8वां नंबर करा है विच इन फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन क्या भरेंगे, देखिए फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज, यानी कि देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है इन, इसके बाद यहाँ पर बिटवीन, यहाँ पर इन टू, उसके बाद एमोंग। तो देखिए इन तो भरा नहीं जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो इन मतलब अंदर होता है, ठीक है ना। और इन टू मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर गिरती है, यानी कि गति अवस्था में किसी चीज़ के अंदर गिरती है। यहाँ पर जैसे कोई कुआँ में गिर रहा है तो वहाँ पर इन टू लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो देखिए जब भी समूह में कोई चीज़ बांटा जाएगा, यानी कि ये पांच लड़कों में बांटा जा रहा है, पांच लड़कों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ पर एमंग भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एमंग भरा जाएगा। यही दो लड़कों में बीच बांटा जाता है तो यहाँ पर क्या भरते हम? बिटवीन भरते, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर पांच लड़कों के बीच बांटा जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दोज फाइव बॉयज। यहाँ पर आठवा का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नौ से दस को भी अच्छे से पढ़कर इसका करेक्ट आंसर देना है। तो कह रहा है कि एलॉन्ग विथ द रैन डैश बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगे? तो हेल स्टोन, यानी कि जो पत्थर थे, ओले थे, वही गिरने लगे थे। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड किससे बिलोंग करता था? लेंचो से बिलोंग करता था, लेंचो का ही फील्ड था। यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले मतलब कि ब्लैक क्या बने थे? तो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। तो चलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महासी इज अ लार्ज फ्रेश फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डैश रिवर, किस रिवर में पाई जाती है? तो कावेरी रिवर में पाई जाती है, ठीक। द बस फेयर फ्रॉम वेलीज हाउस वेलीज विलेज टू टाउन बस डैश पैसे वन वे, यानी कि कितने पैसे लगते थे? 30 पैसे वन वे, यानी कि एक तरफ से जाने के 30 पैसे लगते थे। यहाँ पर कह रहे हैं रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपका एक पोयम दिया हुआ है, पोयम का ही मतलब इसी में से खोजकर इसका आंसर देना है। कह रहे हैं विच हु इज द स्पीकर ऑफ द एबव लाइन्स, यानी कि ये जो एबव लाइन दिया गया है इसका स्पीकर कौन है, कौन इस बात को कह रहा है? तो ये जो है पोएट बोल रहा है, ठीक है ना। ये लीडर नहीं होगा, ये टीचर नहीं होगा, ये बॉय नहीं होगा, एक पोएट होगा, यानी कि कवि बोल रहा है, वह कवि बोल रहा था। चलिए यहाँ पर इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल इन इन दैश, यानी कि स्पीकर के ओपिनियन से, यानी कि स्पीकर के मानने से, यानी कि संसार किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा? तो यहाँ पर फायर एंड आइस, यानी कि बर्फ और आग दोनों से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हरी सिंह डू नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट कुड कुक बिकॉज ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, डी वाला ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर केप्ट एन आई ऑन डॉग गिविंग नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कहा था मिस्टर पम्फ्री से, ठीक है ना, कि इसके मतलब डॉग पर नज़रें बनाए रखिएगा, इसको कोई भी खाना मत दीजिएगा, केवल थोड़ा पानी पिलाइएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कह रहा है ई ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इंटाइल्ड ए ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। मटिल्डा बोरो नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। यहाँ पर कह रहे हैं नंबरदार रामलाल हैड सेवन चिल्ड्रेन, उसमें जो थे 3 सन थे और 4 डॉटर थे, ठीक है ना, यानी कि 3 लड़के और 4 लड़कियाँ थी उनकी। चलिए यहाँ पर 3 बेटे और 4 बेटियाँ हो गया। यहाँ पर पार्ट बी आता है, पार्ट बी में रीडिंग दिया जाता है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे किस पर, यहाँ पर कॉपी पर कैसे लिखना है बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पार्ट बी में यहाँ पर रीडिंग दिया जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर पीछे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर इसी में से खोज कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट डू वी सम टाइम इनवे रिच पीपल, यहाँ पर 2 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हेडिंग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पार्ट भी, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर रीडिंग, देन उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे आंसर नंबर, क्या लिखेंगे? आंसर नंबर। और आंसर नंबर कौन सा था? ये आपका आंसर नंबर था पहला, तो आंसर नंबर फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए वाला हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, ठीक। अब चलिए इतना लिख दिए तो अब देखिए इसका आंसर कैसे खोजा जाता है, इसमें से कीवर्ड खोजा जाता है। तो कीवर्ड इसमें क्या दे रहा है? इनवे रिच पीपल है कीवर्ड। तो देखिए यहाँ पर इसमें खोजेंगे इनवे रिच पीपल कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना इनवे रिच पीपल, तो यहीं से उठाकर और फुल स्टॉप तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक सेम इसी प्रकार से इसका आंसर खोजना है। और देख लीजिए सेम उसी प्रकार से लिख दिया गया, सेम उसी चीज़ को, वी इनवे रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट वट दे प्लीज ऑल द ईयर अराउंड ईयर राउंड, ठीक है ना। यहाँ पर 2 नंबर मिल गए, सेम उसी प्रकार से खोजना है। देख लीजिए एक और आपको बता देते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट का बी बना देंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था,
यानी कि इसमें जो कीवर्ड हो जाएगा फर्स्ट थिंग और वर्क कीवर्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट थिंग मिल गया ना वर्क, तो देखिए यहाँ से अब फुल स्टॉप तक पेस्ट कर देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। तो देखिए द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, तो यहाँ तक हमने पेस्ट कर दिए, यहाँ पर भी दो नंबर मिल गए। सेम उसी प्रकार से सबको सॉल्व कर लेना है, इसी प्रकार से जो है पैसेज सॉल्व किया जाता है, अनसीन पैसेज है। यहाँ पर चलिए राइटिंग वाला पोर्शन दिया जाता है, दूसरे नंबर में पूछा जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम और अटेंड योर इल्डर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है अपने इल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन के शादी में, शादी को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर ये कितने नंबर का, चार नंबर का पूछा जाता है लेटर राइटिंग, या फिर अथवा करके एक एप्लीकेशन दिया जाता है अपने प्रिंसिपल को, कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज लाइब्रेरी इज़ लैकिंग इट्स फंक्शन, यानी कि लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस की कमी हो गई है, उसके कारण प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दो ही पूछा जाता है, लेटर और या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो देखिए कैसे लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है बता देते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर लेटर, तो देखिए सबसे पहले इसको लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले टॉप में यहाँ पर राइटिंग लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम टॉप में राइटिंग लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा गया आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर दो, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर दो। अब यहाँ पर देखिए इतना लिख दिया आपने, तो अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये लेटर है ना, तो हम लेटर वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे लेटर, इस तरीके से हम लेटर लिख देंगे, ठीक है ना। लेटर लिखने के बाद देन उसके बाद अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखिए लेटर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर कोड डाला जाता है, उसके बाद यहाँ पर उसके जो भी नगर होंगे यानी कि जो भी उसका राज्य सिटी होगा उसका नाम दिया जाता है, देन उसके बाद उसके जो है जिला का नाम दिया जाता है या फिर जो है उसका प्रदेश का नाम दिया जाता है, और वहाँ पर 6-0 लगा दिया जाता है ताकि वहाँ का कोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डेट लिखा जाता है 12 फरवरी, जैसे यहाँ पर लिखा गया 2024, सेम इसी पैटर्न में डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डियर, उसके बाद जिस भी अपने दोस्त को लिख रहे हो उस दोस्त का नाम लिखकर कॉमा लगाकर, फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर जो भी बातें होगी वहाँ पर आप अच्छे से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखिएगा योर अफेक्शनेटली, अपना नाम लिख दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से आप लिख दोगे, आपके चार नंबर लेटर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कहता है तीन नंबर में कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। साइंस एग्जीबिशन पर लिखना है, 6 नंबर का है। यहाँ पर इसमें आपके पॉइंट दे दिए गए हैं, हिंट जो है दे दिया गया है, डेट इनॉग्रेशन मॉडल एग्जीबिटेड गैदरिंग ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस दे दिया गया है, उस हेडिंग पर आप बना दोगे। और उसके बाद वो तो होगी आपका रिपोर्ट राइटिंग, और उसी में अथवा करके पूछा जाता है कि आर्टिकल राइटिंग। देखिए यहाँ पर अथवा दिया है ना, अथवा करके इधर दिया है आर्टिकल राइटिंग, कह रहा है कि टेकिंग क्लॉजेस गिवन बिलो एंड राइट एंड आर्टिकल ऑन यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, यानी कि मोबाइल फ़ोन का यूज क्या है, उपयोग क्या है और मिस यूज क्या है, गलत उपयोग क्या है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर इसका आपको हिंट भी दे दिया गया है, तो इसी हिंट पर लिखना है। तो अच्छे से आप इसको लिख दीजिएगा, अगर आप बोलोगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, अच्छे से ही कैसे इसको लिखना है बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से बता देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, फोन कंटेंट्स, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम, हार्मफुल इंडलगेंस, ठीक है ना। यहाँ पर साइबर क्राइम का नाम सुने ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, उसमें बना बनाकर आपको लिख दिए देना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने रिपोर्ट राइटिंग लिखा है, सेम इसी प्रकार से आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। अगर आप एक बोलोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा रिपोर्ट राइटिंग पर, और एक किस पर, यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग पर ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगा, उससे आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर का पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, अभी समझा देंगे आपको कि कैसे ये ग्रामर वाला पोर्शन किया जाता है। कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर रीराइट करना है, फिर से लिखना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब कि देखिए एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि आप किसी से डायरेक्ट वो बात बताओगे, ठीक है ना, और उस बात को कोई थर्ड पर्सन दूसरे को बता देगा तो वही आपका इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच थर्ड पर्सन के द्वारा कोई बात को किसी के द्वारा बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मोहन सैड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि मोहन सीमा से कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ, ठीक है ना। मोहन क्या किससे कहा, सीमा से कहा कि मुझे बचाओ, ठीक। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा टू हेल्प हिम,
क्या कहेंगे, मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा टू हेल्प हिम, ठीक, क्या है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मोहन जो है किसी से आग्रह करेगा बचाने के लिए, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट ही ना करेगा बचाने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। अब हिम क्यों लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन ये किसी से जाकर कर रहा है, तो या फिर यहाँ पर देखिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर मी का जो है आई मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई मी तो ही हिम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ही आएगा, ये मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आएगा, ये सेकंड फॉर्म में है तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर ये समझ गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 4 का बी कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है, कह रहा है ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये लेटर इसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है, ठीक है ना, तो देखिए और हमेशा इसमें MV3 का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, MV3 का प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये पहले आ जाएगा ए लेटर, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए लेटर हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये एम दिया हुआ है ना, तो यानी कि ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में जो भी रहेगा, जो भी इसमें एक चीज़ का मतलब आसान होता है कि जो भी प्रेजेंट में रहेगा उसमें इज लगा देंगे, जो भी पास्ट में रहेगा उसमें वाज या वर्ब लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसमें प्रेजेंट में है, इसमें ए लेटर इज हो जाएगा, ठीक है ना, ए लेटर इज, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस में दिया जाता है तो बेइंग जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए लेटर इज बेइंग रिटेन बाय मी, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिटेन बाय यहाँ पर रिटेन थर्ड फॉर्म हो जाएगा और बाय लगाकर मी लिख देंगे, यहाँ पर दो नंबर मिल गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 नंबर का, यहाँ पर सी नंबर कर रहा है पंचुएट द फॉलोइंग, ही सैड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो देखिए इसको पंचुएट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये एस यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिया है तो इसको कैपिटल लेटर में करेंगे, उसके बाद टू मी के बाद कमा लगाएंगे, उसके बाद हैव के पहले डबल इन्वर्टेड कमा, उसके बाद एच को कैपिटल में करके यहाँ पर पूरा का पूरा सेम उसी प्रकार से लिख देंगे, और गोवा में जी कैपिटल हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से सुधार कर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर डबल इन्वर्टेड कमा बंद कर देंगे। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कह रहे हैं वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है, तो रेनी सीजन इज़ बेटर देन ऑल अदर सीजन, उसके बाद कह रहा है कि चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, ग्रीनी इज़ विजिबल ऑल अराउंड, यहाँ पर कह रहा है कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर कहेंगे रैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, रैन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ईच अदर, यहाँ पर 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर लिटरेचर पूछा जाता है, तो बहुत आसान तरीके से ये पेपर पूछे जाते हैं, तो ये तो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है देख लो, केवल फॉर्मेट देख लो आप, यहाँ पर लिटरेचर पूछा गया तो लिटरेचर लिखकर आंसर नंबर यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर लिखना है उसको इसी प्रकार से लिखना है, सेम इसका पैटर्न समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आंसर लिखने का हो गया, अब यहाँ पर आता है देखिए क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर का और फिर 4 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 10 नंबर और यहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 और 7 17 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक। अब 17 नंबर आपको क्लियर कर लेना अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर के पूछे जाते हैं यहाँ पर पोएम, तो देखिए क्या रहा है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में हो 4 लाइन का पोएम आपको लिखना है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में लाइन दिया गया उसको कॉपी नहीं करना है, तो देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, आंसर नंबर जो भी हो उसको डालकर यहाँ पर लिखोगे पोएम अच्छे से और पोएट का नाम लिख दोगे, 3 नंबर आपका मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 3 नंबर का, तो इसको भी आप अच्छे से लिख देना, 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई एक करना है, तो सेंट्रल आइडिया भी लिखना अच्छे से सिखा देंगे आपको, इस चैनल से जुड़े रहना, सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से बता देंगे, पोएम भी अच्छे से बता देंगे, आर्टिकल राइटिंग भी बता देंगे, लेटर राइटिंग भी बता देंगे, ग्रामर भी बता देंगे, डेडिकेटेड वीडियो आपको बना बना कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अच्छे से इस पेपर का पूरा सोल्यूशन बता दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।